राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर प्रदेश कमेटी के दिशा निर्देश में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी द्वारा भारत गौरव पदयात्रा का सफर जारी है। ब्लॉक में पदयात्रा का शुभारंभ बुध को वनांचल के कोपरू से शुरू किया गया था। गौरव पथ यात्रा का तीसरा दिन शुक्रवार को विधायक यशोदा नीलांबर वर्मा, पूर्व विधायक गिरवर जंघेल, ब्लॉक अध्यक्ष राजकुमार पटेल के अगुवाई में उदयपुर से शुरू किया गया। यात्रा तिरंगा ध्वज के साथ भारत माता, महात्मा गांधी एवं देश के शहीद वीर सपूतों का गुणगान एवं जयकारा लगाते हुए आगे बढ़ी। यात्रा के दौरान ग्राम सीता डबरी एवं मैनहर में ग्रामीण एवं स्कूली बच्चों ने तिलक लगाकर एवं जयकारा के साथ स्वागत किया। स्कूली छात्र अपने हाथों में वीर शहीदों की तस्वीर एवं ध्वज लेकर यात्रा में शामिल हुए। तीसरे दिन के यात्रा का समापन ग्राम पंचायत बुंदेली में किया गया, जिसके उद्बोधन में यशोदा वर्मा ने कहा कि यह यात्रा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सिद्धांत एवं आदर्शों को आत्मसात कर निकाली जा रही है, जिसका उद्देश्य हर समाज वर्ग युवाओं को एक सूत्र में बांधना है। गंडई से रवि रजक, सीजी विजन टीवी।